और ये अपने औकात से ज्यादा बड़ा भोजन कर लिया था, तभी वहां से भाग नहीं पाया, नहीं तो बिल से ही निकल गया होता। बगैर किसी छेड़छाड़ के ऊपर तो मान लीजिए नहीं जा सकता कोई सांप है, सांप है क्या? इसी घर में है। कब देखा गया था? अरे आइए करीब से आपको दिखाते हैं, कहाँ है देखा गया था? अच्छा से निकला नहीं, तो ये सब उठा पटक कैसे अपने आप से हुआ? अरे अपने डंडा संडा तुम खोद ये। अच्छा अच्छा दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये रसोई घर है, यहाँ पर तो चूहा जरूर आते होंगे। दोस्तों आप ये देख लीजिए, हो सकता है ये सांप यही बिल है, यहाँ पे होल है, पाइप लगी है किचन रूम किससे जो खराब पानी होता है बाहर जाता है बर्तन साफ करने का, तो ठीक यहीं पर पेटी रखा गया था और ये सांप दोस्तों यहीं पर बैठा हुआ है। ऊपर तो मान लीजिए नहीं जा सकता कोई सांप। उसने क्या दोस्तों इसे देख के एक अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं, ये काफी खाया पिया घर से बिलोंग करता है और दोस्तों इसको देख सकते हैं कि इसके पेट में ऑलरेडी चूहा है, तभी ये भाग नहीं पाया। ये चूहा खा करके बड़े आराम से एक जगह स्थायी बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे दोस्तों ये बाहर की दिशा में आना चाहता है। चलिए मैं एक बार इसे दोस्तों ये स्थितियां हैं, इसको बाहर कर लेंगे थोड़ा सा, एक किनारे कर दीजिए। हाँ तो एक बड़ी बात यह है कि यहीं पर ये पेटी रखी गई थी, हो सकता है। अच्छा ये बताइए साफ सफाई के दौरान देखा गया कि कैसे? नहीं ऐसा पहले से ही अब देखिए, जैसे आप समझिए इतना बढ़िया घर बना है, सब कुछ बना है ना, तो इसमें ईंट ऊंट रखने की क्या जरूरत है ना, ये तो पूरी तरीके से वैसे ही बढ़िया बना है, तो इसमें ये सब नहीं रखना चाहिए, इसको निकाल देंगे। चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है, हम इसे निकालते हैं। स्पीड देख रहे हैं आप? चलिए आज आ जाइए, धीरे धीरे आ जाइए। ये है, इसमें 5 दिन से है। 5 दिन से मैं देख रही हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ तो पेटी के नीचे ऐसे ऐसे करते, मैं तो समझती थी चूहा है, और अपनी माँ जी को मैं बताई तो बोल रही हाँ चूहा ही हो। इसको लगातार आप ही देखते थे? नहीं तो मैं अंदर चले जाती इसके रूप में, और सामने तो चूहा आते थे अंदर, इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम में पहले से थे, इसी किचन रूम में, इसी किचन रूम में, पेटी के ही नीचे। आप बताइए आपको, हाँ हो सकता है ये जो बिल है उधर होल है जहाँ से पानी निकलता है, ये सांप उसी से अंदर आया होगा। इसके पेट में देखिए ऑलरेडी चूहा है, और ये चूहा खाने के, हमने पहले ही बताया कि चूहा खाने के लिए आता है, तो उसमें एक जाली लगवा दीजिए। कोबरा है जी जी, इसी को कोबरा, इसी को नाग, इसी को फेटार, इसी को गेहुअन, अलग अलग नामों से इसे अच्छा। जानते हैं। हाँ हाँ चलिए बाहर एक बार लेके आए सर। इसके काटने के बाद में सीधा आप लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए, 40 से 50 मिनट का टाइम रहता है इसके काटने के बाद, अगर आपको सही टाइम पे पहुंच गया, एंटीवेनम मिल गया, तभी प्राण बच पाएंगे। और ये अपने औकात से ज्यादा बड़ा भोजन कर लिया था, तभी वहां से भाग नहीं पाया, नहीं तो बिल से ही निकल गया होता जी। आप देख लीजिए आप, हाँ जो खाया हुआ है जो भी है, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी पैक कर देते। ये चूहा है भाई, चूहा है, चूहा लंबा बड़ा चूहा।
समझ रहे हैं। तो इसी चूहा को खाने के लिए घर के अंदर आता है, अगर आप घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे ये सांप रहेगा कहीं पर भी पेटी बाकस के नीचे पैर में सीधा काट लेगा और आपको हॉस्पिटल पहुंचने में समय जाएगा और प्राण बच नहीं पाएंगे। घर में पूरी तरीके से साफ सफाई रखिए। बहुत से लोग हैं घर बहुत अच्छा बनवाते हैं, उसके अंदर बगैर मतलब का सामान रख देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसको भी रखते हैं। चलिए जिसका चूहा अपना रख लीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही होती है, हमारे गांव में लोग तंत्र मंत्रों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि दोस्तों सांपों का ऐसी कोई मंत्र नहीं होती जिससे सांप बाहर आए या सांप पकड़ा जाए, या आप सांप को मंत्र मार दीजिए सांप एक जगह पे रहे। इसकी एक क्वालिटी ये होती है अपनी पूंछ को अपने पास में इसलिए रखता है, इसको डर रहता है कोई पीछे से मार ना दे, इसलिए ये फन में खड़ा हो जाता है और जिधर जिधर इंसान जाता है उधर उधर ये फन को अपने घुमाता रहता है और लोग ये सोचते हैं कि मंत्र मार दिए इसलिए सांप खड़ा है, हम लोग चले जाएंगे तो ये भी चला जाएगा और जब तक हम लोग खड़े रहेंगे ये भी खड़ा रहेगा अपने बचाव के लिए, बाकी कोई मंत्र नहीं होती। अच्छा चलिए बैग लाइए बैग। चलिए दोस्तों इसको हम पैक करेंगे डिब्बे में। गरम रहा दोस्तों इस वीडियो को देख के आप ही नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी समय हादसा होता है बड़ा सा। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए है, थोड़ा सुझा दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये हमारा काम आपको कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय मुझे दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद और बाय बाय।